द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल कार्डिनल प्रिंसिपल है जहां पे किसी भी आदमी की आप लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो टाइमली और रेगुलरली मिलती रहेगी। नाउ अब हम बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स में 11 जुलाई 2022 को सर्टेन गाइडलाइंस पास की है कि किसमें एक्यूज को बेल मिलनी चाहिए, कैसे ऑफेंसेस है, कहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फेल होती हैं, किसका लिवरेज एक्यूज को मिलेगा। तो मेरी ये वीडियो उसी कंटेक्स्ट में होने वाली है। तो हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होंगी वो 41 एंड 41A सीआरपीसी की जो गाइडलाइंस दी गई है उसका जो मैंडेट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, प्लस अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है, उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो बेल एक्ट है, हम एक नया बेल एक्ट इंट्रोड्यूस करें इंडिया के लिए, जैसे अदर कंट्रीज में आप देखें यूके में भी बेल एक्ट है और इसी के तरह आपका यूएसए में बेल एक्ट है। इससे क्या हो कि जो बेल का जो लॉज है, बेल में किस ग्रांट होनी चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने बोला है अगर जो कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट्स हैं और जो बेल देने वाली कोर्ट्स हैं उसको देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या प्रॉपरली मैंडेट फॉलो किया है। अगर प्रॉपरली मैंडेट 41 एंड 41A का नहीं फॉलो किया गया है तो एक्यूज को बेल लेने के लिए एक्यूज एंटाइटलमेंट होगा। तो इसके लिए बेल लेने के लिए क्या एडिशनल ग्राउंड उसके पास होगा कि मैंडेट फेल किया है। कोर्ट ये भी देखेगी जो सियोरिटीज है, सियोरिटीज ने 440 सीआरपीसी की जो मैंडेट है वो फॉलो किया है। इसी के चलते कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आपका जो डिस्पोजल है बेल का, जो नॉर्मल बेल का जो डिस्पोजल है वो 2 वीक्स में हो जाए, अगर एंटीसिपेटरी है तो 6 वीक्स का टाइम कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनका एक बार सर्वे करके देखा जाए कितने लोग एंटाइटल हैं बेल के लिए, कितना नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो होप इस वीडियो इस जजमेंट्स के बाद थोड़ी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और इसकी जो साइटेशंस है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस वीडियो के, वो आप चाहें तो वहां से इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक के कंसर्न अगर कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और आपको और किसी लॉ सब्जेक्ट पे चाहिए तो उस पर भी वीडियो मैं बनाते रहूंगा, आप बताते रहेंगे तब तक। थैंक यू।